bismillahir rahim dear students you are watching educational channel kmch i am khalid mahmood from kmch physics academy our subject is physics of class 9th we are solving its examples today we have to solve example number 3.1 of unit number 3 unit number 3 is dynamics let us see the statement of example number 3.1 एग्जाम्पल नंबर थ्री पॉइंट वन इज़ फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाई अ ट्वेंटी न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ एट के जी कि हमारे पास मास है एट के जी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है फोर्स ट्वेंटी न्यूटन है हमने ये बताना है कि उस मास में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस फोर्स की वजह से सॉल्व करते हैं इसको मास एम रखते हैं इसको एट के जी दिया गया है हमें फोर्स इसको एफ़ रखते हैं ट्वेंटी न्यूटन दी गई है एक्सरेशन प्रोड्यूस्ड, एक्सरेशन को ए रखते हैं ये हमने मालूम करना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ़ इज इक्वल टू एम ए होता है एफ़ की वैल्यू हमारे पास ट्वेंटी न्यूटन है मास की वैल्यू हमारे पास एट के जी है और ए हमने मालूम करना है तो इधर एट के जी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 20 न्यूटन को डिवाइड कर देगा जाके तो हमारे पास आ जाएगा ए इज़ एकल टू ट्वेंटी न्यूटन ओवर 8 के जी ट्वेंटी न्यूटन न्यूटन क्या होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो इसको हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लिया अब ये किलोग्राम और ये किलोग्राम ऊपर और नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाएगा ट्वेंटी को एट पे डिवाइड करेंगे तो ये टू पॉइंट फाइव आ जाएगा इट मीन्स के एक्सरेशन उस बॉडी में जो प्रोड्यूस होना है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो इस तरह से हमने ये आंसर दे दिया दस एक्सरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी खुद भी देखें दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर लिया करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें चैनल अगर अभी आपने सब्सक्राइब सबस्क्र, नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोज़ मिलती रहें मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ शाद रहें आबाद रहें